नमस्ते, हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी ना विद्यार्थी मित्रों जो चैनल में नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए, कारण कि एचएनजी ने लगता तमाम माहिती तुमने पूरी पड़वामां आवशे बराबर। अने जो तमे अत्यारे जे कई पण तमारो विषय होय बराबर बीए थी लईने एमए सुधी तमाम तमने एमसीक्यू पूरा पड़वामां आवशे, ऑनलाइन ऑफलाइन एमसीक्यू एक्जाम लेवाय छे तो बराबर। तो मित्रों चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो बराबर। आजना वीडियो में आपणे डिस्कस करवाना छे बीएसएम1 सीई बराबर 101 पेपर विषे, पेपरनुं नाम छे बराबर तो हिंदी बराबर। तो आज वीडियो अपने स्टार्ट करिए। तब अं जो सकता हशो आपके अभ्यासक्रम में काव्य संग्रह कौन सा है, तो काव्य सौरभ। काव्य सौरभ के संपादक कौन है, तो डॉक्टर अर्जुन तड़वी। आपके अभ्यासक्रम के पहले कवि कौन है, तो मैथिली चरण गुप्त। वो मैथिली चरण गुप्त आप हमारे अभ्यासक्रम के पहले कवि हैं। मैथिली चरण गुप्त के कितने काव्य अभ्यासक्रम हैं, तो कितने हैं, दो। मनुष्य धर्म के अलावा कौन सा काव्य आपके अभ्यासक्रम में है, तो दोनों और प्रेम पलता है। मनुष्य धर्म काव्य किसने लिखा है, मनुष्य धर्म काव्य किसने लिखा है, तो मैथिली चरण गुप्त ने मनुष्य धर्म काव्य लिखा है। तो गाइज अपने नेक्स्ट जो ये बराबर, तो अपने जो ये कि मैथिली चरण गुप्त का जन्म किस ईस्वी सन में हुआ था, तो 1886 में मैथिली चरण गुप्त का जन्म हुआ था। किस भाषा को गुप्त जी ने कवि भाषा बनाई, तो खड़ी बोली भाषा को कवि भाषा बनाई। दोनों और प्रेम पलता है काव्य में किसने महत्व को दर्शाया है, तो प्रेम ने। आग लेकर कौन चलता है, तो दीपक। आग लेकर दीपक चलता है। आग को कौन प्रेम करता है, तो पतंग। आग को पतंग प्रेम करता है। मैथिली चरण गुप्त को क्या उपनाम मिला था, तो राष्ट्रकवि। क्या नाम मिला था, राष्ट्रकवि बराबर। हम नेक्स्ट देखते हैं कि गुप्त जी ने किसका संदेश फैलाया मानव धर्म का, किसके लिए जीना चाहिए, मनुष्य धर्म के लिए हमें जीना चाहिए। तो अपने नेक्स्ट जो ये बराबर, तो अपने नेक्स्ट जो ये के हमारे जीवन में किसका आदर्श चाहिए, तो हमारे जीवन में विश्व बंधुत्व का आदर्श चाहिए बराबर। नेक्स्ट कितनी और प्रेम पलता है, तो दोनों में बराबर। दीपक क्या हिलाकर कहता है, तो दीपक शीश हिलाकर कहता है। अन्नत देव कहाँ खड़े हैं, तो अन्नत देव जल में खड़े हैं। कहाँ है, जल में खड़े हैं। कौन सी नदी उदारता का बयान करती है, तो वो नदी है सरस्वती। कौन है, सरस्वती। मनुष्य को क्या चाहिए, तो मनुष्य को सहानुभूति चाहिए। क्या चाहिए, सहानुभूति। नेक्स्ट देखते हैं कि मनुष्य को क्या चाहिए, तो सहानुभूति चाहिए। प्रसाद का परिवार किस नाम से प्रसिद्ध था, उसका परिवार सुंदकी साहू नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद का वेदांत किस ईस्वी सन में हुआ था, तो किस प्रसाद का वेदांत किस ईस्वी सन में हुआ था, तो उसका वेदांत 1937 में हुआ था। प्रसाद ने कौन सा महाकाव्य लिखा, तो उसने कामायनी महाकाव्य लिखा। प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है, तो उसकी काव्य भाषा है खड़ी बोली। बीती विभावरी काव्य किसका है, तो वो जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि
ओके तो नेक्स्ट है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है, एक भारतीय आत्मा को किस कवि को कहा गया है, तो सॉरी जवाब, इसका जवाब है माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा गया है। भारतीय विद्यार्थी काव्य में किसको कहा गया है, तो भारतीय विद्यार्थी काव्य में युवकों को कहा गया है। कोकिल विश्व को कब जगाती है, कोकिल विश्व को कब जगाती है, तो कोकिल विश्व को दोपहर में जगाती है। कैदी का संसार कितने फुट का है, तो उसका संसार है 10 फुट का। कैदी के लिए रोना गुनाह है, तो जवाब माचे कारावास, कैदी के लिए रोना कारावास है। बाब नेक्स्ट जी, तो भारत सरकार ने माखनलाल चतुर्वेदी को किस उपाधि से सम्मानित किया था, तो उसको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। वेणुलो गुज्जे धरा माखनलाल चतुर्वेदी लिखित क्या है, तो वो कविता संग्रह है। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम क्या है, उसका उपनाम है निराला। निराला का जन्म किस स्टेशन में हुआ था, तो उसका जन्म हुआ था 1987 में। भिखारी के साथ कौन है, उसके साथ है 2 बच्चे। कवि भिक्षु के बच्चों को क्या बनाता है, उसको अभिमन्यु बनाता है। क्या बनाता है, अभिमन्यु। नेक्स्ट देखते हैं, झूठी पतली को कौन झपटना चाहता है, तो उसको कुत्ते झपटना चाहते हैं। पंत जी की काव्य भाषा कौन सी है, तो उसकी काव्य भाषा है खड़ी बोली। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को मिला है, तो वो मिला है बतख को। सुख के बाद आता है दुख। ओके, तो नेक्स्ट है, किस काव्य में जर्जर रूठियों को हटाने की बात कही गई है, तो वो है द्रुत जरो को। जगत में किसकी प्याली भरने की बात है, तो नवयुग को। महादेवी वर्मा ने किस संस्था को स्थापना की थी, तो वो स्थापना की थी साहित्य संसद की। हमें कहां आगे बढ़ना है, तो हमें कर्तव्य पथ में आगे बढ़ना है। हरिवंशाय बच्चन किस युग के प्रवर्तक है, तो वो है हालावाद युग के प्रवर्तक। ओके, तो आपने नेक्स्ट जो ये के बच्चन जी की काव्य शैली कौन सी है, तो उसकी काव्य शैली है गीति शैली। बच्चन जी ने किसके माध्यम से अपनी पहचान बनाई, तो वो उसने मधुशाला के माध्यम से अपनी पहचान बनाई। डिनर का प्रसिद्ध प्रबंध है रश्मि रथी। बराबर, आपने नेक्स्ट जो ये के मनुष्य का क्या महत्वपूर्ण है, तो उसका महत्वपूर्ण है कर्म। कवि ने किस पर बल दिया, तो उसने बल दिया प्रेम और स्वभाव सद्भाव को। तो मित्रों, आपने यहीं 1-50 MCQ या मोस्ट टाइम पे MCQ मित्रों, जो चैनल में नवा हो तो प्लीज चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, बेल आइकन ने ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करके दे जो। बराबर, तो आपने मिले छे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जो वीडियो गमे तो लाइक करजो। बराबर, ने कया MCQ जोइए छे ये कमेंट बॉक्स में जणावजो। बराबर।